सबसे बड़ी समस्या यही है कि अगर देश में हर एक राज्य विपक्ष मुक्त हो जाएगा और केंद्र भी विपक्ष मुक्त हो जाएगी तो सिचुएशन क्या पैदा होगी, ये सोचने वाली बात है। रीजन क्या है कि विपक्षी तो एक ऐसा चेहरा होते हैं जो कम से कम सरकारों के तमाम ऐसे काम पर निगाह रखते हैं या उन बातों को उठाते हैं जो रियली में पब्लिक के लिए सही नहीं होते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि विपक्षी हमेशा ऐसे ही करते हैं कि जो पब्लिक के लिए सही नहीं है वही उठाते हैं, कभी कभी उनके भी अपने इंटरेस्ट होते हैं, लेकिन पूरे राज्य में अगर विपक्षी की संख्या को भी आप कम करने पर आमादा हो जाएंगे कि भाई आपकी सरकार बनी हुई है, प्रदेश में आपकी सरकार गठित है, आप सरकार में हैं, बावजूद इसके आप ये चाह रहे हैं कि विपक्ष की जो संख्या वो भी आप में शामिल हो जाए, यानी जो उधर है वो भी इधर आ जाए। सेम चीज़ जैसे उत्तर प्रदेश में खतरा हो रहा था, आपने वहाँ पर भी यही कर रखा था, महाराष्ट्र में भी, मध्य प्रदेश में भी वही किया, झारखंड में भी खतरा नजर आ रहा है, आप तेलंगाना में जाइए वहाँ पर भी खतरा नजर आ रहा है। पूरे राज्य में पूरे देश में करना क्या चाह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, करना क्या चाहती है, ये बात समझ में नहीं आ रही है। किसी सरकार से मनमुटाव हो सकता है, किसी सरकार से वैमनस्यता भी हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज की डेट में वैमनस्यता नहीं है, वो भी समस्या है। अटल जी ने चिंता व्यक्त की थी एक बार कि जो परिस्थितियां बदल रही हैं उसमें क्या हो रहा है कि हम आप सामने भी बैठना मुश्किल हो रहा है कि इतना बुरा बोल दे रहे हैं, इतना खराब शब्दों का यूज हो जा रहा है कि हम आगे से आपके सामने बैठ करके शर्मसार महसूस कर रहे हैं, ऐसी परिस्थितियां पैदा हो रही है, दुश्मनी निकल रही है। तो अब इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह बढ़ रही है कि भाई पूरे पूरे राज्य में पार्टी में जो भी कोई हो उसके ही पक्ष में हो, कोई भी पक्ष में बैठा ही ना हो, सवाल भी ना कोई खड़ा कर पाए, 9 अगर विधायक चले जाए, जो अनुमान लगाया जा रहा है कि 9-10 विधायक जा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के खेमे में गोवा में, तो ऐसी परिस्थिति में तो भाई गोवा में कोई भी व्यक्ति ऐसा रह नहीं जाएगा कि गोवा के खिलाफ कोई काम अगर कर रही हो सरकार, या गोवा के बाद ये जमीन ही बेच रही हो। ये मैं इसलिए आरोप लगा रहा हूँ क्योंकि अडानी अंबानी इस समय किस लेवल पे जा रहे हैं ये आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि देश में सब कुछ बेचने की अगर धारा पे चल रही हो सरकार और हर राज्य में ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाए कि आपके पास विपक्ष है ही नहीं, तो सड़क पर आएगा कौन और कौन विरोध करेगा। भारत के साथ सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमें एक नेता चाहिए होता है, जन आंदोलन खड़ा करने के लिए एक नेता चाहिए होता है, और सारे नेता पक्ष में खड़े हैं, विपक्ष में कोई चेहरा ही ना हो तो फिर करेंगे क्या। तो ये भारत के लिए थोड़ा दिक्कत भरा है। और चूंकि हम अगर भारतीय महाद्वीप के आसपास निगाह दौड़ाएं तो जितने भी देश हैं उसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, कोई भी आते हैं, एक बांग्लादेश को थोड़ा स्थिर कह सकते हैं इस समय, वो भी इसलिए क्योंकि वहां पर स्थिरता दिख रही है, कितनी है ये तो वही जाने, लेकिन फिर भी कुल मिला के ये परिस्थितियां तो वहीं देश के आसपास की कह रहा हूँ कि इतनी मतलब संचलन की स्थिति है। और राजनीतिक विचलन बहुत ज्यादा है, राजनीतिक विचलन भी है। अभी आप श्रीलंका में सुन रहे हैं कि विपक्षी ने कहा भाई हम मिलकर सरकार चला लेंगे, नाम ही नहीं कोई है, विपक्षी मिलकर चला लेंगे सरकार, नाम कोई हो तो सही, यहाँ पे तो सारे सारे पक्ष में जाके खड़े हो जाएंगे, तो विपक्ष में खड़ा कौन होगा। और जो पुराने नेता थे उनकी धीरे धीरे स्थिति आप जान ही रहे हैं, लालू जी कहाँ पर हैं, मुलायम सिंह कहाँ पर हैं, इन सब लोगों की स्थिति हम लोग जान रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई नया चेहरा नहीं पैदा हो रहा है और नया चेहरा ऐसा नहीं हो रहा है कि जो पूरा संभाल सके, युवाओं की भी बात कर रहा हूँ, सिर्फ TSR की नहीं बात करूंगा, सिर्फ अखिलेश की बात नहीं करूंगा, सिर्फ राहुल की बात नहीं करूंगा, हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स की भी बात करूंगा, वहां पे भी कोई युवा नेता ऐसा नहीं उभर के आ रहा है जो संभाल सके और कह सके हम विपक्ष के दावेदार हैं। तो ये लड़ाई काफी अजीब सी है और देश के लिए तो निश्चित रूप से बड़ा थ्रेट है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर, और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।